दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने Realme के फ़ोन से जी मेल अकाउंट कैसे रिमूव कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आपके प्ले स्टोर जी मेल या आपका गूगल अकाउंट में से कई सारी आपके जी मेल अकाउंट यहाँ पे आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं और उनमें से कोई भी एक जी मेल अकाउंट आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों इसमें हम आपको सबसे आसान और सबसे सरल तरीका बताएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के रियल फ़ोन के जी में आपको जाना है या ई आपके पास हो तो आपको उसमें जाना है और वहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये जो ऊपर तीन लाइन दिख रही है ये आपको यहाँ पे तीन लाइन पे क्लिक करना है और नीचे आप देखेंगे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर आपको देखिए तीन लाइन दिख रही है थ्री डॉट दिख रही है आपको थ्री डॉट में क्लिक करके मैनेज अकाउंट में चले जाना है तो जैसे आप मैनेज अकाउंट पे जाएंगे तो आपके फोन में कुछ इस तरीके से दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितनी भी आई डी रहेगी सारी आई डी पे आपको दिखेगी तो जो भी आई आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको ये आईडी में क्लिक करना है जैसे हमारे पास अभी एक आईडी दिख रही है तो आपके पास अगर और भी आईडी दिखती है तो उसमें आपको क्लिक करना है उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे रिमूव का या डिलीट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है ये जो रिमूव का ऑप्शन दिखेगा या डिलीट का ऑप्शन दिख तो आपको यहाँ से रिमूव डिलीट पर क्लिक करके और यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना जैसे हमारे फ़ोन में अभी डिलीट का रहा था हमें डिलीट पर कन्फर्म कर देते हैं तो हमारी ये आई डी यहाँ डिलीट हो जाती है अब आप देख सकते हैं हमारी जो ये आई थी थोड़ा सा अभी मैं बैक होकर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एक बार और मैं अभी बैक हो जाता हूँ देखिए तो अभी हम बाइक होकर के आपको दिखाते हैं देखिए अब हमारी जो जी थी वो हमारा जी मेल है जी मेल से हमारी जो आईडी थी वो आईडी हमारी हमारे यहाँ से रिमूव होगा ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से जितने भी आईडियाँ हैं उन आईडीयों को आप अपने फ़ोन से आप हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं अपनी रियल मी के